स्वागत आप सबका साउथ अफ्रीका ट्वेंटी लीग के डबल एडर मुकाबले के अंदर ये दिन का दूसरा मैच है मैच यहाँ पे जोबर्ग सुपर किंग्स बनाम प्रिटोरिया कैपिटल्स के, के बीच में जो खेला जाएगा वंडर स्टेडियम जोनसबर्ग के ऊपर मैच टाइमिंग है रात के नौ बजे इस सीजन इस के अंदर इस वन के ऊपर पहली बार मैच हो रहा है तो यहाँ की पिच किस तरह से बिहेव करेगी यहाँ पे क्या ट्रेंड चला है क्या आपको अपनी टीम के अंदर बल्लेबाजी को लेना है या फिर गेंदबाजी को लेना है क्या यहाँ पे स्पिनर्स को टर्न मिलती है या फिर फास्ट बॉलरस को मदद मिलती है सारी जानकारी आपको मैं यहाँ पे दूंगा आपको इवन मैं पे ग्राफिक्स बताऊंगा कितना यहाँ पे बॉल घूमता है और कितना यहाँ पे बॉल एक्स्ट्रा बाउंस लेता है तो पूरी जानकारी आपको एक ही जगह मिलेगी तो पूरा वीडियो देखना बिना स्किप करे क्योंकि स्टूडियो के अंदर अपन सिर्फ फैक्ट्स स्टैट्स और नॉलेज के ऊपर बात करेंगे हवाबाजी अपन बिल्कुल नहीं करते ये प्लेयर चल जाएगा उस प्लेयर को ले लो अपनी ऐसी आदत ही नहीं है अपन फैक्ट्स के साथ और स्टैट्स के साथ बात करेंगे तो पूरा वीडियो देखना बिना स्किप करे टेलीग्राम से जुड़े उसका फायदा क्या है यूट्यूब पे अपडेट देना मुश्किल होता है तो कहाग्राम पे दूंगा जुड़ना कैसे Telegram, में और में दिया हुआ है तो अब यहाँ पे पिच रिपोर्ट के बारे में बात करते हैं इस वे के ऊपर वंडर स्टेडियम के ऊपर इसको इंपीरियल वे स्टेडियम भी बोलते हैं ठीक है तो देखो इस वे के ऊपर लास्ट मैच होता है टी का बारह अप्रैल दो को मैच था यहाँ पे साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान के बीच में टी ट्वेंटी का तो ये पिच ना सुटेबल रहती है बैटर्स के लिए यहाँ पे रन बनता है बैटर्स लो स्पलिंग एयर और एकदम न्यूट्रल पिच होती है यहाँ पर अब अपन समझते हैं यहाँ पे इनिंग्स वाइज कैसे स्कोर बनते हैं तभी तो आपको पता लगेगा कि कैसे रन बनते हैं यहाँ पर तो अपन स्कोरिंग पैटर्न को समझते हैं यहाँ पर तो अब देखो पहली बारी के अंदर यहाँ पे किस तरह से रन्स बनाए जो टीम बैट फर्स्ट करी वन बनाई नौ विकेट गवा के फिर जो टीम चेस करने आती है वो चौदहवें ओवर के अंदर टारगेट चेस कर जाती है मात्र चार विकेट गवा के उससे पिछले मैच की बात करते हैं टीम ने बनाया था 188 एटी विकेट गवा के बैट फर्श करते हुए 189 का टारगेट था जो टीम चेस करने एक बॉल लेते टारगेट चेस कर गई थी उससे पिछले मैच की बात करते हैं टीम ने बनाया था वन, एट, वन था। जो टीम चेस कर कर करने आती है एटी नाइन सिमट जाती है उससे पिछले मैच की बात करते हैं टीम है 171, तीन विकेट गवा के जो टीम चेस करने आती है चार बॉल जो है टारगेट चेस करने जाती है इसका मतलब क्या है यहाँ पे चेस होते हैं बड़े बड़े स्कोर भी दो के आसपास के स्कोर यहाँ पे चेस हो जाते हैं इस वेन्यू के ऊपर जोबक सुपर किंग्स का होम ग्राउंड है ठीक है जोनोबक के ऊपर इस वेन्यू पे जो टीम बैट फर्स्ट करिए एक मैच जीती है जो टीम चेस करिए तीन मैच जीती है पिछले चार मुकाबलों के अंदर तो टीम्स यहाँ पे चेस करना पसंद करेगी मेरे हिसाब से मोस्टली और ये रात का मैच है अपने भारत में तो रात उड़ी रहेगी वहाँ पे कुछ शाम के आप कह सकते हो पाँच या साढ़े चार बजे रह रहेंगे अपने से साउथ अफ्रीका चार साढ़े तीन चार घंटे पीछे है ये तो मेरे को आइडिया है तो इस वनी के ऊपर जो बाग सुपर किंग्स ने भी मैच नहीं खेला और प्यूटोरिया कैपिटल्स ने भी एक भी मैच नहीं खेला इस वनी के ऊपर ना ये पहला मैच है इस ए सी ट्वेंटी का इसलिए मैं कह रहा था पिच रिपोर्ट को ध्यान से सुनना इस वनी के ऊपर प्रति ओवर कितने रन बनते हैं एट पॉइंट एट के आसपास प्रति ओवर रन बनते हैं लास्ट चार मैचों के अंदर पेसर्स ने ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये जो कॉलम रहता है ना सबसे इंपॉर्टेंट होता है इस वन के ऊपर लास्ट चार मैच के अंदर पेसर्स ने अट्ठाइस विकेट निकाले हैं पहली बारी में चौदह दूसरी बारी के अंदर चौदह राइट हार्म पेसर्स इक्कीस विकेट है लेफ्ट आर्म पेसर सात विकेट है अब यहां पर अपन स्पिनर्स की तरफ रुक करते हैं मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूं आपको और अच्छे से दिखेगा सब स्पिनर्स का देखिए बीस विकेट है चार मैचों में पहली बारी में नौ है दूसरी बारी के अंदर ग्यारह है ऑफ स्पिनर्स का एक भी विकेट नहीं है लेग स्पिनर्स का चार है लेफ्ट आर्म चर्मिन का लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर्स का दस विकेट है यहाँ पर जो लास्ट मैच खेला गया था साउथ अफ्रीका बनाम पाकिस्तान के बीच में उस मैच में छह विकेट पेसर का था छह विकेट वहां पे स्पिनर्स का था अब मैं आपको ग्राफिक्स दिखाऊंगा तब आपको पिच रिपोर्ट के बारे में और अच्छे से समझेगा पहले पिच देख ले ऐसी पिच दिखी थी लास्ट टाइम जब यहाँ पे मैचेस हुए थे यहाँ पे लिखा भी आ रहा है वंडरअ स्टेडियम करके ये था कॉर्टलेट ड्राइव एंड एंड होते हैं ना एक इस तरफ से गेंदबाजी करते हैं किस तरफ से गेंदबाजी करते हैं दो एंड होता है बार बार पिच बदलती मतलब प्लेट्स रोटेट नहीं करते वो तो, तो बस डायरेक्शन बदलती है आपको बताओ तो तो इस तरह से पिच दिखती है यहाँ पिच के ऊपर ना क्रैक्स बहुत ज्यादा दिखते हैं क्यों अब मैं बताता हूँ आपको डेटा एनालिसिस दो मैंने इसको कंपेयर करेंगे सुपर स्पोर्ट्स पार्क सेंचुरियन को और वंडरर्स को वंडर्स के ऊपर देखिए जो पहले पांच ओवर के अंदर क्या होता है सुपर स्पोर्ट्स पार्क पे बॉल नीचे रहती है पर वंडरस के ऊपर ना बाउंस ज्यादा होता है बॉल बाउंस रहती है आप खुद देखो और टर्न यहाँ पे देखो कितना होता है ऊपर भी लिखा मैंने टर्न इस स्वेनि के ऊपर थ्री पॉइंट थ्री डिग्री बॉल टर्न लेती है यहाँ पे स्पिनर्स को मदद मिलती है बाउंस भी मिलता है यहाँ पे समझ रहे हो टर्न के साथ साथ इस पिच के ऊपर बाउंस होता है अब मैं आपको और डेटा दिखाता हूँ uh, पिच के फोटोज वगैरह तो आपको दिखाई दी डेटा तो दिखाई दिया अब स्टेडियम का वीडियो दिखाऊ एक बार ऐसा स्टेडियम दिखता है, पर है। आप सोलर पैनल लगाए गए हैं स्टेडियम के ऊपर आप देखोगे तो आम तौर पर और कोई साउथ अफ्रीका के स्टेडियम पे सोलर पैनल नहीं है इसी स्टेडियम के ऊपर है कमाल का स्टेडियम दिखता ही है बहुत खूबसूरत व्यू इस स्टेडियम का और व्यू दिखाता हूँ आपको मैं ऐसा पूरा ड्रोन व्यू में दिखता है मैंने निकाला था सब मेरी आदत है फोटोज निकालने की और आप लोगों को दिखाने की मतलब फिर अलग ही मज़ा आता है वीडियो में तो आप देख सकते हैं ऐसा स्टेडियम दिखता है पूरा खूबसूरत इस स्टेडियम है चलते हैं फिर यहाँ पे मज शिक्षण मैच में खेलने के चांसेस बहुत ज़्यादा है इनके और इस सीजन के अंदर जो सुपर किंग्स ने क्या किया है, सिर्फ पहला मैच जीता फिर लगातार दो मैच बुरी तरह से आ रहे थे लोग तो ये चिंता वाली बात है, में के साथ, है ने, में फिर से खेल सकते हैं है, शेफर्ड है स्टैफर्ड हैलजारी फंगिसो गल और आपको मैच सीखना है नब्बे परसेंट चांसेस के खेलते हुए दिख सकते हैं ये कल के दिन फ्लाइट ले चुके थे तो आज खेलने चाहिए गर्टन को मैच भी उठाया जा सकता है चलते प्रिटोरिया कैपिटल्स की तरफ ये लोगों ने दो मैच खेले और दोनों जीते हैं याद रखना साल्ट ओपन करते हैं विल्स एक्सर साथ रेलिया वनडाउन है थे डुब्राइन है शैन डेड्सवेल है फिर आपको दिखेंगे नीशम परनेल कैप्टन है पर्नल मिघाल प्रिटर्स है इथान बॉश है आदिल राशिद है एंडरिज रॉ किया है चलते हैं यहाँ पे किसकी तरफ भाई साहब अभी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है लिटिल को ज़रा टीम ही नहीं खिला रही सोचो आप जशवा लिटिल जो इतना बढ़िया प्लेयर है उसको टीम खिला ही नहीं रही है क्योंकि ये लोग स्पिन के साथ ज्यादा जा रहे हैं आदिल राशिद को बैक कर रहे हैं टिप्स की बात करते हैं इन्होंने टी करियर के अंदर एक मिनट कहाँ गए रिजा हाँ वन सिक्सटी एट मैच खेले टी ट्वेंटी करियर के अंदर और इनके चार हजार नौ सौ पांच रन है एक सौ छब्बीस का स्ट्राइक रेट है छत्तीस की औसत है ये हो गया टी ट्वेंटी स्टेट्स अब मैं आपसे बात करूंगा डेप्थ के अंदर वेन्यू स्टेट्स के बारे में इस वेन्यू के ऊपर रीजा एंट्रीज का आप कह सकते हो ग्राउंड है ट्वेंटी थ्री मैचेस खेला हुआ 700 है सात सौ रन है फोर्टी फोर की औसत है और इस वेन्यू के ऊपर ना इन्होंने आठ दफा तीस का आंकड़ा पार किया है और ये इस वेन्यू के ऊपर चेस्ट मास्टर के नाम से जाने जाते हैं जी आप सही सुन रहे हो चेस मास्टर के नाम से जाने जाते है अच्छा है हैं है स्वनी के पर चेस बहुत अच्छा करते हैं स्वनी के ऊपर मतलब बैट में भी अच्छी पा रही है पर जो उनका कन्वर्जन रेट है ना बैट सेकंड के अंदर बहुत अच्छा है स्वनी के ऊपर रन करते हैं हमेशा फॉर्म सोलह चार एक सिक्सटी नाइन तेईस एक बहुत अच्छे फॉर्म में थे पता है इंग्लैंड में जब खेल रहे थे सब फिर इसको कह रहे थे जब इंडिया के अंदर साउथ अफ्रीका आई थी उसको खिला के नहीं रही आप ग्यारह के अंदर तो ये प्लेयर ना बहुत अच्छा फॉर्म है बस पिछले तीन चार मुकाबले थोड़ा कॉन्फिडेंस कम हुआ उनका आने माल आते हैं इस स्वनी के ऊपर सात मैच खेला है टू फोर्टी सिक्स रन फोर्टी वन की औसत है क्या सामने वाली टीम के अंदर लेफ्ट आर्म आथ स्पिनर है यह फर्स्ट है लेफ्ट आर्म आथ स्पिनर के सामने आप पिछले कुछ मुकाबले उठा के देख लो इसमें वही हुआ था पहली बारी में सड़सठ तैतीस जीरो निन्यानवे नाबाद चोईस है मेरे को लग रहा है इस मैच में अच्छा कर सकते हैं चेस चीज कीपर नॉर पंद्रह है, है। फॉर्म दो दो पांच एक जीरो अट्ठावन एटी एट एक नौ एक सौ तीन ये सी एस ए टी ट्वेंटी के स्कोर्स हैं बहुत खराब रहे हैं देखते हैं इस मैच में क्या करते हैं मैचअप सबको बताऊंगा थोड़ी देर में बहुत अच्छा मैचअप है वो चलते हैं फिर यहाँ पे फैब डुप्लेसिस की तरफ इस टेंट के ऊपर पंद्रह मैच है पांच सौ अट्ठाईस रन अच्छे रन्स ठोके हुए यहाँ पे फोर्टी वन की औसत है बैट फर्स चार तेईस बाईस फिफ्टी टू बाईस एक सौ उन्नीस सेवेंटी नाइन है चेस ऊपर उन्नीस बीस फोर्टी थ्री बाईस नाबाद इकसठ अठारह चौबीस है फॉर्म की बात करें तो फॉर्म ये रहा आठ रन दो उनचालीस है एक है और थर्टी नाइन तीन छः इस तरह से फॉर्म रहा है कायल वन राइन है इस के ऊपर तीन मैच खेला है फिफ्टी फोर रन है बैट फर्स छब्बीस चीज के ऊपर अट्ठाइस है फॉर्म चार ग्यारह दस नौ सत्रह इस सोरेसन का फॉर्म रहा है फिर आते हैं यहाँ पे ग्रिगोरी ये सोनी पे नहीं गेला फॉर्म ज्यादा खास नहीं है देखते हैं सोच में कैसा परफॉर्मेंस देखे जाते हैं ये टी ट्वेंटी स्ट्स आप पढ़ सकते हो यार बार बार रिपीट करूँ ना वीडियो फिर बीस पच्चीस मिनट नहीं बन जाएगी मैं अगर आपको टी ट्वेंटी स्टेट्स रिपीट करूंगा ना ये वाला ये तो आप नॉर्मली पढ़ सकते हो एक सौ इक्कीस मैच खेला है इक्कीस की औसत है दो हज़ार के ऊपर रनस है एक सौ इक्यावन विकेट है इसके और ये हर अठारह बॉल में एक विकेट निकालता है जब गेंदबाजी करता है अठारह बॉल में इसका एक विकेट होता है अठारह का इसका बॉलिंग स्ट्राइक रेट है बैटिंग का स्टैंड अठा था, अठारह हो जाता है ना टिकता ही नहीं पूरे करियर के अंदर चलता है फिर यहाँ पे दरअन फेरेरा की तरफ छब्बीस मैच खेले टी ट्वेंटी करियर में साढ़े पाँच सौ के आसपास रन है फिफ्टी फोर का स्ट्राइक रेट है वेन्यू पर नहीं खेला फॉर्म का बहुत अच्छा है शेफर्ड ने इस वेन्यू पे नहीं खेला हर पंद्रह बॉल में विकेट निकालता है ये रमेर शेफर्ड तो इंपॉर्टेंट प्लेयर है और पिछले मैचेस में आप सोचो इससे सिर्फ एक एक ओवर कराया गया था और ये उस एक ओवर में विकेट निकाल के गया था पिछले दो मैचेस के अंदर जिसका ऐसे कहूँ तो छः बॉल में विकेट निकाल रहा है ये सीरीज के अंदर अल्जारी का देखें तो इस सोनी पे नहीं खेला फॉर्म अच्छा है बहुत तगड़ा प्लेयर है फंगिसो का ही उम ग्राउंड है यहाँ पर इन्होंने फोर्टी मैच खेला हुआ है और थर्टी नाइन विकेट्स हैं तेरह मैच के अंदर यहाँ पर विकेट लस गए चलते हैं फिर यहाँ पर किसकी तरफ यहाँ पे आएंगे गर्ल कॉड से एक मैच में जरूर गेटा बॉल सेकंड करते हुए और थिक्सना नहीं खेले गर्टन नहीं खेले लिजार्ड विलियम्स ने आठ मैच में नौ विकेटें निकाल रखी हैं मोस्टली शिवबाथर ने नौ मैच में सात विकेट निकाले हैं लुस डुप्ला यहाँ पे नहीं खेले पिछले मैच में खिलाया गया था इक्कीस रन बनाए थे उस वाले फिफ्टी रन चौदह दस छब्बीस तरह से रन है क्लैप्स लाका लेग स्पिनर है बहुत अच्छा खासा अंडर नाइनटीन खेल चुका ही है ये नंदिर बकर भी अच्छा गेंदबाज है पर इसकी ग्यारह जगह नहीं बन रही है स्टार्टिंग ओवर अगर थिक्शिना आते हैं तो थिक्शिना डालेंगे वरना गर्टन है अलजारी फंगिस तो दिखेंगे और लिजार्ड विलियम्स लिजार्ड विलियम्स कहाँ दिख रहे हैं आजकल गर्ल्ड कॉड्जे दिख रहे हैं डेथरो के अंदर रमिरोफर्ड अलजारी जोसफ और आपको यहाँ पे दिख सकते हैं गर्ल्ड कॉड्ज है पिछले मैच किसने कौन सा डाला था तो गर्टन ने पहला तीसरा डाला था और अलजारी ने दूसरा पांचवा सातवा लिजार्ड विलियम्स ने पिछला मैच नहीं खेला था उससे तो पहले चौथा नंबर डाला था रिजा ने यहां पे गेंदबाजी नहीं करी शेफर्ड का छठवा ओवर था श्री बातों का छठवा उन्नीसवा मतलब इतनी खास गेंदबाजी करी नहीं है प्लेट्स ने सही बात आपसे काउंट मैं चलते हैं यहाँ पे किसकी तरफ तो यहां पर मैं आपसे ओवर डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहा था तो पिछले मैच में गटन ने पहला सोलह डाला था अलजारी ने दूसरा चौथा दसवा तेरह डाला था और गर्ल कॉर्ड से तीसरा पांचवा नववा ग्यारहवा फिर बात करते हैं रीजा ने सातवा डाला था पिछले मैच में शेफर्ड ने और सत्तरवा डाला था और फिर कोई खेला नहीं था फंगिसो ने छठवा आठवां दसवा बारवा अब पता नहीं डिजाइनर साहब पता नहीं कभी कभी कई चीज़ें मिस कर जाते हैं पर उनको मैं क्या बोलूँ यार चलता रहता है सब मैंने ये अपने फ़ोन में निकाल के रखा था उनको भेजा भी था मैंने सॉल्ट की बात करते हैं आप पे एक मैच खेला पच्चीस किन की औसत है तीन के आसपास रनस है और डेढ़ का स्ट्राइक रेट है टी करियर में बहुत अच्छा प्लेयर है फॉर्म भी इसका बहुत अच्छा है और इंटेंट अच्छा है कह रहा शॉट्स खेलता है और हवाई फायर ज्यादा करता है, नहीं ग्राउंडेड शॉट से खेलेगा एकदम वैसे नहीं आढ़े तिरछे शॉट मार दिया अच्छे शॉट्स खेलता है ये विल जैक्स आते हैं 101 मैच के अंदर ये है भाई साहब वो प्लेयर ये एकदम हवाई फायर मारता है इधर उधर शॉट मारता है ये खेलता भी वैसा ही है रन भी बनाता है पिछले मैच में 92 करके गया था प्लेयर अच्छा है वेन्यू भी नहीं खेला रह लश वो आते हैं यहाँ पे पाँच मैच इस वेन्यू पर एक सौ ग्यारह रनस है बैट फर्स्ट पांच तैंतीस पंद्रह चेस के ऊपर फिफ्टी एट है फिर आपको दिखेंगे कौन यहाँ पे थे पाँच मैच में बासठ रनस है पंद्रह की औसत है बैट फर्स्ट सात जीरो चीज के ऊपर तेरह और फोर्टी टू है लास्ट मैच में उसने फोर्टी टू भी बनाया था उन्नीस बत्तीस छत्तीस इसका फॉर्म अच्छा चल रहा है प्रैक्टिस मैच में भी कुछ उसने फिफ्टी के आसपास बनाया था मोहत्तर समय को शायद जगह ना मिले दो मैच में ग्यारह रन जीरो विकेट्स है वैन्यू के ऊपर सैन डेट्स वेल अच्छा प्लेयर है और पिछले मैच में बीस नाबाद भी बनाया था इसने अच्छी हिटिंग करता है प्रैक्टिस मैच में इसमें नाइन्टी थ्री बनाया था मैंने आपसे पहले भी डिस्कस करा चीज ऋषम ही स्वनी के ऊपर नहीं खेले अच्छा गेंदबाज है पिछले मैच में अठारह रन प्लस एक विक विकेट विक विक था उससे पहले सैतीस रन प्लस एक विक विकेट विक था कुछ ना कुछ करके दे रहा है ये वन परल आठ मैचेस में सोनी के ऊपर पांच विकेट्स हैं विक रन वन सेवेंटी नाइन है एक बार इन्होंने सोनी के ऊपर निन्यानवे रन की पारी भी खेली थी कुछ सत्तावन गेंदों के अंदर बॉल फर्स्ट चार मैच में चार विकेट है बॉल सेकंड तीन मैच में एक विकेट है चार बार ये विकेटलस गए हैं स्वनी के ऊपर परफॉर्म अच्छा है रोल अच्छा है इनका अच्छा करके जा सकते हैं यशोटल को जगह नहीं मिल रही नोकिया दो मैच के अंदर सोनी के ऊपर तीन विकेट हैं हर बार बॉल सेकंड करा है फिर आते हैं यहाँ पे इथान बहुत सी सोनी पर नहीं खेला अच्छी गति से डालता है ये इसके बाद स्पीड है वन फिफ्टी की वन फिफ्टी तो नहीं है वन फोर्टी फाइव के आसपास डाल लेते हैं ये इनकी जो एफर्ट बॉल होती है एकदम वन फोर्टी फाइव के आसपास जाती है एवरेज स्पीड वन फोर्टी के समथिंग है मिगास ये सोनी पे चार मैच खेला है छह विकेट हैं बॉल फर्स्ट एक मैच में विकेट और बॉल सेकंड तीन मैचों में पाँच विकेट है शॉन वोन बर्ग इनको शायद जगह ना मिले चार मैच में विकेट है सबके के सट्स आदिल राशिद का इस वनी पे तीन मैच में दो विकेट है बॉल फर्स्ट एक मैच में एक बॉल सेकंड दो मैच में एक विकेट है और भी प्लेट का स्ट्रेट दिए डरा डुपल वन के स्ट्रटर डेलपोड को तो जगह नहीं मिल रही यार में कुछ ऑलमेंडीज भी यहाँ पे खेल चुके हैं चार रन बन करा था उन्होंने चेस करते हुए टी ट्वेंटी करियर में एक मैच के अंदर एक का स्ट्राइक रेट है और तीन के आसपास रन है फॉर्म देखो अब इंडिया के खिलाफ खेल के रहे थे चार चौतीस जीरो तेईस बावन फिफ्ट ट्वेंटी है टी ट्वेंटी में बहुत अच्छा दिखा था इंडिया के खिलाफ जब खेला था बस वो ओडियाई में थोड़ा अटक गए थे आगे तो प्लेयर ठीक है खेले तो आप पिक कर सकते हो लग नहीं लग्न मेरे को ग्यारह में जगह बनेगी इनकी स्टार्टिंग और नोकिया परनेल बॉश डेथ उर्गंदर नोकिया आदिल राशिद परनेल आ रहे हैं आजकल चलते हैं यहाँ पे पिछले मैच में किसने कौन सा डाला था तो बात करते हैं इथान बॉश की पहला तीसरा आठवां ग्यारहवा ये बस नई गेंद से ज्यादातर डालते हैं और डेथ और गेंद से नहीं कराया जाता पर्नेल का दूसरा चौथा बीसवा था नोकिया का पाँचवा तेरवा पंद्रह उन्नीसवां इनको मिडिल फेस में कराया जाता है जब इनको बैटर्स अटैक करने को देखते हैं मिडिल फेस में क्या होता है प्लेयर्स आइसोलेट करने को देखते हैं तब ये आते हैं गेंदबाजी करने रीशम का दसवा बारहवा था आदिल राशिद आठवा चौदह सोलह अठारवा तीन बैक टू बैक डैतोर में थे दो कह सकते हो डैथो के अंदर का नवा सत्र था मैच अपना रीजन एंडिक्स का मैचअप बनता है डोप्ल उनके सामने अड़तीस बॉल अड़तीस रन दो बार आउट किया हुआ है कोई खास मैचअप नहीं लग रहा मेरे को रीजन एंडिक्स में अं बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है रीजे एंडिक्स पर नजर रखना प्लेट टू आउट है आनेमाल मलन का मैचअप यहाँ पे बनता है शॉन वन बर्क के सामने बारह रन है सोलह गेंदों में तीन बार आउट हुए और सामने वाली टीम में आप देखते हो क्योंकि लेफ्ट आर्म हॉथक स्पिनर है मेरे को लगता नहीं कोई स्पिनर है लेफ्ट आर्म हॉथक सैन और रन मुद्द तो सैम ही है पर वो मेरे हिसाब से ग्यारह में आएंगे नहीं गेंदबाजी करेंगे नहीं तो वो थोड़ी सी चिंता वाली बात है तो लग तो यह रहा है कि इस मैच में क्या पता आई नंबर मन का दिन हो जाए हर बार मैंने कहा था पिछले दो तीन मैच में तो ये नहीं स्कोर करेंगे अपने स्टैट्स के साथ बात करी थी सामने लिंडे थे सामने लेफ्ट आर्म मोथक स्पिनर्स थे ब्रिजन फॉर्चून वगैरह तो वहाँ पे फंसे थे इस मैच में लग रहा है अच्छा करके जा सकते हैं ठीक है थोड़ा सा के सामने अटकते हैं आदिल राशिद तो फिर लेट आते हैं बॉलिंग करने तो उनके सामने आउट होंगे फिर होंगे दो और फैफ डूप्लेस वर्सेस नीशम इकसठ गेंद इकसठ रन निका उनके में दो बार आउट में लुस गर्सेज नीशम कोई खास मैचअप नहीं है यहाँ पे विल जैक्स का मैचअप गटन के सामने बत्तीस गेंद बासठ रन दो बार आउट के दोनों बार पहली पारी में और थनस ड्यूब्रॉन वर्सेज फंगिसो सत्रह बॉल ने रन दो आउट किया है थनस ड्यूब्रॉन भी मिडिल ओवर्स में बैट करने आते हैं फंगिसो मिडिल ओवर्स के अंदर लेफ्ट आमाथोड के अंदर बॉलिंग करने आते हैं और कोई मैचअप नहीं है यहाँ पे खास कॉमन कैप्टन वैन पर लेल फैफ डूप्लेसिस बर्ड में बनाओ रिजर को अलजारी जोसफ को थोड़ा लग जाना है नोकिया शफर को रोटेट करना जो स्टैट्स आपको मैंने वीडियो में दिए हैं सब आपको चाहिए तो जाइए अपना मोबाइल ऐप है स्टार्ट स्टू नाम से विजिट करिए अपनी वेबसाइट है स्टार्ट स्ट्यू डॉट कॉम वहाँ पर जाकर आप स्टैट्स को रिवाइज कर सकते हो टीम्स की बात करें हम तो कैप्टन यहाँ पे पर्नेल वाइस कैप्टन यहाँ पे मैंने अलजारी को किया हुआ है आप कर सकते हो शेफर्ड को लास्ट टाइम मैं हमने शेफर्ड को किया था शायद मैं इनको कर दूँ यहाँ पे मेरे पास रेले रश है फैफ है विल जैक्स है रिजा है सॉल्टी है यहाँ पे मेरे पास नोकिया अलजारी आदिल है अब इसमें एक चीज़ क्या कर सकते हो आप यहाँ पे ले सकते हो आनेमान मलन को अच्छा भी हो सकता है पर वो ये स्मॉल लीग में लेना थोड़ी सी मुरुखता हो जाएगी मुरुता क्यों है अपोनेंट तो लेके आएगा नहीं बहुत कम अपोनेंट लेके आएंगे और चांस वो पॉइंट नहीं दिखेगा तो आप वो ये कि पीछे रह जाओगे रेस के अंदर तो आने वाले रन को इस मैच में रोटेट किया जा सकता है अच्छा प्लेयर है कुछ ना कुछ आपको पॉइंट दे के जा सकता है पिछले मैच में भी इसने स्टार्ट ले लिया था पर वही था सामने आया स्पिनर और पारी की समाप्त हो गई तो देखता है सॉल्टी इंपॉर्टेंट है फेरेरे को आप लेके जा सकते हो दमखम रखता है वो थोड़ा सा नीचे खेलता है बस दिक्कत वही है फैफ इंपॉर्टेंट है विल जैक्स इंपॉर्टेंट है और इस मैच में मेरे को लग रहा है जो वो सुपर किंग्स अच्छा कर सकती है और टॉप ऑर्डर रन बना के दे सकता है इस मैच में रेले मे ले रशो अच्छे बिग है पर फॉर्म बहुत बड़ा कंसर्न अगर आप मैं आपको रैला रेशो का फॉर्म बताओ पिछले मैचेस में कुछ रंस नहीं बनाए भाई ने पर लेके चलना पड़ेगा अटैकिंग प्लेयर है और बड़े बड़े शॉट्स मारने को देखता है जो फिर यहाँ पे अगर थिक्षिना खेलते ना तो रैला रेशो को दिक्कत हो सकती है रिजा इंपॉर्टेंट रहेंगे थैनस ड्यूब्रोन आपका कॉल है आनेमान वालन इस वैच में अच्छा भी सकता है ये वाला प्लेयर आनेमान वालान पर्नेल इंपॉर्टेंट शेफर्ड इंपॉर्टेंट निशम इंपॉर्टेंट है और किसी को पिक मत करिएगा नोकिया इंपॉर्टेंट अल्जारी इंपॉर्टेंट रादिल इंपॉर्टेंट है फंगज तो आप लेके जा सकते हो अगर आप लेके जाना चाहो तो कोटा uh, से ये भी अच्छा गेंदबाज है कर्टन को शायद मेरे हिसाब से ग्यारह में जगह ना मिले ठीक से ना खेल सकते हैं चांसेस है और कोई भी फर्दर अपडेट सही दे दूंगा टेलीग्राम के ऊपर लिंक ऑफ द टेलीग्राम चैनल मैंने आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है तो देखते रहे स्टार्ट जी लव यू गाइस सी सुन ऐसे प्यार बनाए रखना अपना बेस्ट देने की कोशिश करूंगा अपने दिल की सुने टीम्स को पीना करें हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ मैं जय हिंद ऑल द बेस्ट वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर कर देना अगर आपको पसंद आती है चीज़ें नॉलेज आपको पसंद आती है तो